नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसल। इंदौर परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अम्बा अस्पताल पहुंचाया है। इंदौर परदेशीपुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के जीवन की फेल में रहने वाली युवती प्रिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब देखा तो युवती बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने शव को फंदे से उतारकर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अम्बा अस्पताल पहुंचाया है। परिजन के मुताबिक युवती का पड़ोस में ही रहने वाले किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी के चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। युवती का नाम प्रिया रेंगे बताया जा रहा है। वहीं युवती के प्रेमी से भी पुलिस ने बातचीत कर बताया कि युवक को पहले भी वो धमकी दे चुकी थी कि अगर वो बात नहीं करेगा तो मैं फांसी लगा लूंगी। उसके बाद युवक ने बात करना बंद कर दिया था, इसी के चलते युवती ने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सर, ये मेरी लड़की है ना, 10th क्लास में थी जब से ना उस लड़के से बातचीत करती थी। उसके बाद में अभी इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी हो गई कि पता नहीं, बोले मेरी लड़की को बोलता बोला है ना तो किसी और से बात करती है और मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसने बहुत परेशान कर दिया मेरी लड़की को, कोई मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। और जब से दिल्ली से आया ना, जब से कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो कल पता नहीं इनके बीच में कोई बात हुई, तो लास्ट जो पुलिस वालों ने थाने के अंदर मेरे को बताया गया कि बोले उस लड़की ने बोला कि मेरे बाप की औलाद नहीं, मैं फांसी लगा लूँगी आज के आज। उसने कुछ ना कुछ बोला होगा, जब भी लड़की ने फांसी लगाई है। कुछ सुसाइड कोड भी कुछ नहीं, जो भी है मोबाइल के अंदर है उसके। मोबाइल में क्या क्या लिखा है? मोबाइल के अंदर वो सबने पुलिस थाने के अंदर में कोई बताया कि उसको आखिरी मैसेज ये था व्हाट्सअप पे कि मैं मेरे बाप की औलाद नहीं, मैं फांसी लगा लूँगी आज की तारीख में। मेरी लड़की ने बोला बताया। और 12:45 पे 45 या 39 मिनट पर उस लड़के ने कॉल करा था, 1 मिनट और 45 सेकंड बात हुई है। अब वो क्या बात हुई है उसमें फ़ोन कर लिया। ललित ललित कान खेड़ा, वह जीवन की खेल में रहता सर। तब पता चला आपको कि आपकी बच्ची ने क्या? सवेरे 5 बजे मेरी माँ बाथरूम करने लेटरिन बाथरूम में गई, माँ ने दरवाज़ा खटखटा नहीं खोला तो चिल्ला चोट हुई। उसके बाद में पता चला हमारे को अंदर से लॉक लगा। क्या लगते हैं बच्ची के? लड़के फादर हो सर। आपका नाम? अनिल गुसाईवाल। सर, एक मर्ग कायम हुआ परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में, क्या है? थाना परदेशीपुरा में सुबह करीबन 3:30 बजे सूचना मिली कि कोई प्रिया रेगर, जिसकी उम्र करीबन 24 साल है, जीवन की फेल की रहने वाली, अपने बाथरूम में गमछे से फांसी लगा ली है। प्रारंभिक सूचना पर पुलिस थाना परदेशीपुरा से अधिकारी गए, जो मौके पर देखा तो उसने अपने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था और फांसी पे लटकी हुई थी। एफएसएल अधिकारी और अन्य अधिकारी द्वारा भी जाँच की गई, तो प्रारंभिक तौर पर तो फांसी लगाना प्रतीत हुआ है। पूछताछ में ये पता चला कि वो पास में रहने वाले किसी लड़के से प्रेम करती थी। वो करीबन उनका 5 से 7 साल पुराना प्रेम चल रहा था। वर्तमान में भी इनकी शादी की बात चल रही थी, किसी बात पे नाराज़ हो गई थी और उसी दौरान उसने फांसी लगा ली है। जिस लड़के से प्यार करती उससे भी बातचीत की, उसने भी बताया कि इसके द्वारा पूर्व में भी मुझे जब भी बात नहीं करते थे तो फांसी लगाने की धमकी देती थी। तो इसी आधार पर ऐसा लगा कि कल भी वो उसको मैसेज किया था कि अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं फांसी लगा लूँगी। तो उसी दौरान इसने फांसी लगा ली है। वो भी मर्ग जांच में ले लिया गया है। पीएम के लिए 100 MOI भेज दिया गया और जो भी पीएम रिपोर्ट पे आएगी उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक ना सुसाइड नोट मिला है ना कोई ऐसा मिला है। लड़के से ही चर्चा हुई जिसमें उसने, लड़के ने ही बताया है कि इसने एक मेरे को मैसेज किया था कि अगर बातचीत नहीं करोगे तो मैं फांसी लगा लूँगा। लड़के का ये भी कहना है कि ऐसा वो हर बार जब भी बातचीत नहीं करते थे तो फांसी लगाने की धमकी दे देती थी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।